विधानसभा चुनाव से पहले बालाघाट की राजनीति में फिर शुरू हुआ मुंजारे दंपति को लेकर कसमकस का दौर। क्या अनुभव मुंजारे को लेकर चल रही चर्चाएं फिर पहुंचाएगी कांग्रेस को नुकसान, या फिर कांग्रेस की साख पर सवाल उठाने वाले पूर्व सांसद कंकर मुंजारे की शर्तों पर होगा चुनाव। बालाघाट विधानसभा सीट पर अभी से कसमकस का माहौल शुरू होने लगा है। बगैर किसी घोषणा और ज्वाइनिंग के अनुभव मुंजारे को संभावित कांग्रेसी उम्मीदवार बताकर कुछ लोग अभी से प्रचार में जुट गए हैं, तो वही कुछ यह भी मानकर चल रहे हैं कि 20 मार्च को अनुभव मुंजारे कांग्रेस ज्वाइन करने जा रही है। जबकि सच्चाई यह है कि अभी तक ज्वाइनिंग संबंधी प्रारंभिक प्रक्रिया पर भी चर्चा नहीं हो पाई। इस संबंध में बीजीटी मीडिया से चर्चा में स्वयं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संजय उइके ने अपने विचार व्यक्त किए। हालांकि उन्होंने अंत में यह भी कहा है कि राजनीति में संभावनाएं बनी रहती है, फिर भी अभी तक ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है कि अनुभव मुंजारे कांग्रेस में शामिल हो रही है। क्या है, ये बताया जा रहा है कि 20 मार्च रानी अवंती बाई जी का जो भी कार्यक्रम है उसके दिन इनकी ज्वाइनिंग होगी कांग्रेस में, तो आपको कितनी इसकी सत्यता वास्तविक लग रही है? देखिए, मैं सत्यता वास्तविक है या नहीं कह सकता कि अब जो मीडिया के साथियों ने किस सूत्र से छापे, कहां से उनको जानकारी लगी, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जो जानकारी है, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि 20 तारीख को वो सदस्यता ग्रहण कर रही है। अच्छा, इस बीच ये जो खबर आई इसके बीच मतलब आपकी कभी संपर्क हुआ है इनके परिवारजनों से, कांग्रेस मतलब इनकी अनुभव मुंजारे दंपति से कोई संपर्क हुआ है आपका कुछ? नहीं, मुंजारे दंपति से संपर्क नहीं हुआ है, बातचीत ऐसा मतलब क्या बोलते हैं अपना होली दिवाली में बधाई वधाई संदेश ये सब चलता रहता है। जी जी, नहीं नहीं, पार्टी को लेकर, पार्टी संगठन को लेकर स्पेशली मतलब ज्वाइनिंग को लेकर कोई नहीं अभी कोई। पर कांग्रेस के ही लोग इसमें ये हल्ला कर रहे हैं कि अनुभव मुंजारे कांग्रेस ज्वाइन कर रही है और वो बालाघाट से चुनाव लड़ेगी, इस बात को हम कितना सत्य माने आपकी नजर से? नहीं, कांग्रेस का कोई ऐसा हल्ला गुल्ला नहीं है, तो मीडिया के किसी साथी ने छापा तो उस पर चर्चाएं चलती हैं, लेकिन राजनीति में देखिए संभावनाएं तो बातचीत होती रहती है, संभावना बनती बिगड़ती रहती है, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी मेरी जानकारी में नहीं है। नहीं, जिला अध्यक्ष होने के नाते क्या आप इसको प्रमिट करते हैं कि इस तरह से हो सकता है, संभावना है आगे? अगर मेरी बातचीत होती जी तब मैं कह सकता था कि हाँ हो रही है या संभावनाएं हैं या और भी चीजें हैं, लेकिन अभी तो मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है, इसलिए मैं उस पर क्या व्यक्त कर सकता हूँ, उसको कुछ कह नहीं सकता हूँ ना। जहां तक पूर्व सांसद कंकर मुंजारे की बात है तो उन्होंने स्वयं प्रेस वार्ता के माध्यम से यह साफ कर दिया है कि उन्हें कांग्रेस की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बल्कि कांग्रेस को उनकी जरूरत है क्योंकि कांग्रेस की जिले में कोई भी साख नहीं बची है। सेकंड नंबर पे कांग्रेस, वहाँ थर्ड नंबर पे बालाघाट में, सेकंड नंबर पे कांग्रेस, वहाँ थर्ड नंबर पे, जमाना जब्त है बालाघाट में, जमाना जब्त और थर्ड नंबर पे, वो हम उनकी शर्त पर रहे कि वो हम अपने शर्त रखेंगे, बात कोई होगी तो वो कुछ बात करेंगे, हमें वैसे बात करने की जरूरत नहीं है और ना हम बात करेंगे, उनको बनाना अगर वो बात करना चाहें या बात करेंगे हम टेबल पे और नंबर के आधार पे बात करो। आप क्रांतिकारी पार्टी से हम चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय क्रांतिकारी पार्टी। अच्छा, मेरी पार्टी जिससे मैं सांसद चुनाव गया हूँ, जिससे मैं 3 बार विधायक रहा हूँ, जिससे 2 बार नगर पालिका, 3 बार नगर पालिका में चुनाव जीते हैं हम लोग, यानी सपा नहीं रहे, सपा से नहीं लड़ूंगा मैं, क्रांतिकारी पार्टी करूंगा। सिर्फ आप ही या भविष्य में क्रांतिकारी पार्टी में भी हैं तो भी वहीं से लड़ेंगे, क्रांतिकारी पार्टी से हैं, हम क्रांतिकारी पार्टी तो वो कैसे काम, दूसरी पार्टी कैसे लड़ेंगे, फिर कांग्रेस ऑफर करती है कि एक को लड़ना है, एक को बैठ जाना है, तो वैसी स्थिति में क्या लड़ना? कांग्रेस को हम ऑफर करते हैं 6 सूत्र में हमारे छोड़ के 12 हम क्षेत्र लड़ेंगे, तुम्हारी आंसर जमीन खत्म होगी कांग्रेस की, कुछ नहीं कांग्रेस करेंगे।
सूत्रों की माने तो राजनीति से जुड़े इस कसमकस भरे दौर में सर्वाधिक बेचैन कांग्रेस का ही खेमा दिखाई दे रहा है। इस तरह की चर्चाओं से विगत कई वर्षों से कांग्रेस में कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा है। वहीं भाजपा की नज़रें भी कांग्रेसी खेमे पर ही जाकर टिकी हुई है, जो यह देखना चाहते हैं कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस किस पर दाव लगाएगी, ताकि बालाघाट सीट पर चल रहे परिवर्तन जिंदाबाद के बीच वो अपने हिसाब से नई रणनीति तैयार कर सके। हालांकि तमाम चर्चाओं और अफवाहों के बीच अभी तक यह समझ नहीं आ रहा है कि यदि अनुभा मुजारे कांग्रेस में शामिल होती भी है तो फिर पूर्व सांसद कंकर मुजारे का क्या होगा। वे पहले भी कांग्रेस की एक सीट वाली शर्त को ठुकरा चुके हैं, जिससे कांग्रेस को तो कुछ हद तक नुकसान हुआ भी है, पर मुजारे दंपति को भी इसका कोई फायदा आज तक नहीं मिला। यहाँ तक कि उनकी जमीन भी धीरे धीरे कमजोर होती गई और लगातार उन्हें बालाघाट और परसवाड़ा सीट पर शिकस्त मिली। यह अलग बात है कि पिछले चुनाव में बालाघाट और परसवाड़ा सीट पर मुजारे दंपति को सहानुभूति के कारण दूसरे नंबर से संतोष होना पड़ा, लेकिन इसका कतई यह मतलब नहीं कि वे आने वाले समय में यहां से निर्दलीय चुनाव जीत जाएंगे या फिर बड़ा उलटफेर करेंगे, क्योंकि अभी तक के परिदृश्य में फिलहाल तो दोनों ही सीटों पर ऐसा संभव नहीं दिख रहा है। एक ओर जहां परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आयुष मंत्री रामकिशोर नानो कावरे के तमाम विकास कार्यों के बीच मधुभगत की चर्चा सर्वत्र सुनाई दे रही है, तो वही दूसरी ओर बालाघाट में भी कांग्रेस से दो प्रमुख चेहरों की चर्चा सुनने मिल रही है, जिसमें एक चेहरा युवा नेता और समाज सेवी अनुराग चतुर्मोहता का है, तो वही दूसरा चेहरा जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार का माना जा रहा है, जो बालाघाट में लगातार चल पड़ी अफवाहों और चर्चाओं के बीच हालातों का जायजा भी लेने लगे हैं। आपको बता दें कि जब भी जिले में विधानसभा के चुनाव नज़दीक होते हैं, मुजारे दंपति के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाएं शुरू हो जाती है, जिसका बालाघाट विधानसभा सीट पर कांग्रेस को हमेशा से बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। 2013 के चुनाव में तो यहां तक स्थिति बन गई कि कांग्रेस के उम्मीदवार उमेर लिल्हारे को 6000 वोट भी नहीं मिल पाए। वही 2018 के चुनाव में फिर से अनुभा मुजारे का नाम इसी तरह से उछाला गया, जिससे पूर्व सांसद और विधायक रहे विश्वेश्वर भगत को भारी मतों के अंतर से चुनाव हारना पड़ा। वही परसवाड़ा क्षेत्र में भी इस तरह की चर्चा का नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा। यहां पर कंकर मुजारे की वजह से 2013 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतने वाले मधु भगत को अपनी सीट गंवानी पड़ी। इस तरह कांग्रेस और सपा दोनों का समीकरण बिगड़ गया और इसका सीधा फायदा भाजपा ने उठाया। हालांकि समय के साथ अब दोनों ही सीटों पर परिस्थितियां काफी हद तक बदल सी गई है। फिलहाल राजनीति में कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि असंभव को संभव बनाने का काम अक्सर राजनीति में होते रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीजेटी मीडिया, बालाघाट।